कपारी खुशी क्या होती है? एक कपाल है, इसको कहते हैं कपाल। जो शरीर है उस शरीर में ऊंचे से ऊंचा जो अंग है वो क्या है? कपाल। इसलिए कहते हैं कापारी खुशी। कापारी खुशी का मतलब सबसे ऊंची खुशी। क्या ब्रह्मेंद्रियों की खुशी नहीं और निचले अंगों की खुशी नहीं, ज्ञानेंद्रियों की भी खुशी नहीं। क्या ज्ञानेंद्रिया भी फिर नीचे हैं कपाल के मुकाबले? कौन सी खुशी? कापारी खुशी। हाँ जी, हाँ जी, सुख और उसमें कोई फर्क नहीं होगा। जो कापारी खुशी में रहेंगे वो भगवान के बंदे होंगे, उसको अचिंद्रिय सुख नहीं बोलेंगे। विनाश के पीरियड में, विनाश जब होगा तो जो भगवान के बंदे हैं वो कापारी खुशी में रहेंगे। इंद्रियों से परे है ना, इंद्रियों में सीमित है। इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रियां हैं आंखें, उन आंखों से भी ऊपर है, क्योंकि आंखें तो जो कुछ देखती है वो हम जानते हैं सब विनाश होने वाला है। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई है जिसको हम आंखों से देखते हो और विनाश होने वाला ना हो? है? है? है कोई ऐसा? कोई ऐसा नहीं। इन आंखों से जो देखते हैं वो सब विनाश होने वाला है। आज हम देख रहे हैं कितना भी सुंदर है, और कल ऐसी मार पड़ेगी माया भी कि सारी सुंदरता खलास हो जाएगी। मुरली में जिसने कहा हमारी आत्मा राम वाली आत्मा को नहीं देखी, किस आत्मा ने? हमारी का मतलब होता है और मेरी का मतलब होता है। मेरी माने सिर्फ एक की आत्मा, और हमारी जब कहते हैं तो कोई ग्रुप है कहने वाला, माने ब्रह्मा बाबा और मम्मा मिलकर के कह रहे हैं ये बात। क्या रिपीट करना? हमारी आत्मा राम वाली आत्मा को नहीं देखती। नहीं देखती? हाँ देखती है। ब्रह्मा वाली आत्मा राम वाली आत्मा को पहचानती है क्या? है कि राम बाप को कहा जाता है, ये शक्ति का बाप है मनुष्य शक्ति का। मुरली में संदर्भ था, पहले तो नहीं देखना किसी आत्मा को। शरीर को नहीं देखना, हमारी आत्मा राम वाली आत्मा को नहीं देखती, वो पहचानती ही नहीं है। पहचानती है वो, ये जानती है कि शक्ति के आदमी जो ज्ञान देने वाला है साकार रूप वो राम वाली आत्मा है। अगर ये जाना होता तो आश्रम का नाम ब्रह्मा कुमारी आश्रम रखते, फिर शिव बाबा को मुरली में ये सुधारना पड़ता क्या कि ब्रह्मा कुमारी नाम गलत है? तुम लोग अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहते हो? क्या कहना चाहिए? सिर्फ अम्मा कुमार थोड़े ही हो, प्रजा पिता शब्द होना चाहिए ना। शुरुआत में बाबा ने ही तो नाम लगवाया ब्रह्मा कुमारी, बाद में संशोधन बंद करा दिया। शुरुआत में तो मैंने शिव बाबा दो दो बातें करता है। अरे 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 क्या रिफाइन होता गया मुरली में? नहीं नहीं नहीं, रिफाइन होने का मतलब ये नहीं कि मुरली के महावाक्यों को काट देगा। ओम मंडली, हाँ ओम मंडली जो नाम पड़ा है, ओम मंडली जो नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा कि ओम माने आ उमा ब्रह्मा विष्णु और शंकर की मंडली से शुरुआत हुई है। शिव अकेले नहीं आते हैं, किसके साथ आते हैं? तीन मूर्तियों के साथ आते हैं, इसलिए ओम मंडली नाम पड़े। साकार में बाबा के रहते हुए नाम पड़ा ना परमात्मा, साकार के बाद पड़ा। जिसको तुम ब्रह्मा बाबा कहते हो वो शिव बाबा है साकार में, साकार में वो साकार में था लेकिन शिव बाबा था। शिव बाबा निराकारी स्टेज वाला होना चाहिए
या सातारी स्टेज वाला होना चाहिए, अरे शिव बाबा कैसा होना चाहिए? अरे बोले प्रवेशता थी माँ के रूप में, माँ साकार होती है, बाप निराकार होता है, बाप बीज होता है, धरणी साकार होती है, धरणी कन्या माताओं को कहा जाता है। बाप में तो सारे गुण हैं, मातृत्व पितृत्व के। आप बाप किसे कहते हैं? आप बाप बिंदु को कहते हैं, और बिंदु में गुण होते ही नहीं, न गुण होते हैं ना अवगुण होते हैं। होते हैं तभी शरीर में दिखते हैं, कोई शरीर होना चाहिए ना, वो शरीर सदगति दाता, जैसे 32 गुणों का चित्र बनाया उसमें लिखा है सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता, तो क्या बिंदी के लिए कहा गया? तन द्वारा। कौन है तन? वो तन कौन है जिससे सदगति होती है? लंबे समय तक लेखराज के ज्यादा लेखराज बिगड़ा, सदगति हुई, सदगति हुई या दुर्गति हुई? आगे बढ़ा जाए, कहाँ आगे बढ़े? सिर्फ सुनने सुनाने को सदगति कहा जाता है? सुनने सुनाने के बाद भी तो समझने का नंबर आता है। अच्छा 69 के बाद जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तभी ना? हम लोग पढ़ते हैं प्राइमरी याद कर लेते हैं, प्राइमरी आगे जाते हैं, प्राइमरी जो याद कर लेते हैं, जो प्राइमरी याद कर लेते हैं उस प्राइमरी की याद में और जो बीएएमई की याद है उसमें अंतर नहीं होता है? बाद में समझ आने लगती है। तो समझ बड़ी या कान बड़े? शुरुआत याद ही करी। हाँ तो ये अंतर कर दिया, समझ को ही बुद्धि कहा जाता है। सुनना सुनाना ये भक्ति मार्ग का फाउंडेशन है, ये भक्ति मार्ग का फाउंडेशन ब्रह्मा के द्वारा पड़ता है। उनकी आत्मा ने सुना समझा नहीं कि संस्था का बाप कौन है, इस परिवार का पिता कौन है। जब ब्रह्म कुमारी आश्रम नाम रखा तब भी नहीं समझा था, नहीं तो बाप का नाम ऐड करते। वो डिपार्टमेंट बाबा ने कराया मुरली में, सुप्रीम सोल में समझाने की क्षमता तो थी ही, अब कोई सोल पूछेगी ना तो क्या समझाएगी? सुप्रीम सोल जो है जो भी समझाता है वो पहले समझाता है कि पहले सुनाता है? सुनाने के बाद तब सुनाने का कार्य किसके द्वारा करता है? सुनने सुनाने का कार्य किसके द्वारा? लेखराज के द्वारा। सुनना सुनाना भक्ति मार्ग में 63 जन्म बहुत होता है। कोई आत्मा इधर खुद रहती पूछने के लिए, हाँ, जानने के कोई नहीं पूछता था, कुछ भी सुप्रीम सोल समझाता है। ब्रह्मा से कोई कुछ प्रश्न पूछता था क्या? नहीं पूछते। ब्रह्मा कुमारियों से कोई कुछ प्रश्न पूछता है क्या और वो जवाब देते हैं क्या? सुप्रीम सोल में तो क्षमता थी ही, हर बात बता दे, चाहे माँ का पाठ बजा दे, चाहे सुप्रीम सोल जिसके आप कहते हैं वो बिना शरीर की क्षमता होती है क्या? बिना शरीर के तो सुनने सुनाने की क्षमता अलग और समझाने की क्षमता अलग, शरीर चाहिए दोनों के दो माध्यम। हाँ एक त्रिनेत्री है और एक त्रिनेत्री नहीं है, उसको तीसरा नेत्र नहीं दिखाते हैं, उसका मुख धरणी की ओर है। ब्रह्मा को धरणी की ओर दिखाते हैं या परमधाम की ओर दिखाते हैं? धरणी की ओर उसको दिखाया, वो तीसरी मूर्ति है। माध्यम सक्षम नहीं, माध्यम है सिर्फ सुनने सुनाने सक्षम नहीं। सक्षम होता तो आपने सदगति करता है दुर्गति करता है? अगर सक्षम होता तो सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधता है या नहीं बंधता? हाँ हाँ ना जल्दी बोलो। जितने भी बड़े बड़े पाप कर्म करने वाले हैं दुनिया के वो सब भूत प्रेत बनते हैं। क्या दुख लेना और दुख देना ये दोनों में पाप कर्म की समाहुति है या नहीं है? तो ब्रह्मा ने दुख लिया या नहीं लिया? दिया किसी को नहीं, ये पक्का है, लेकिन दुख लिया कि नहीं लिया? और ज्ञानी तू आत्मा का ये कर्म है कि दुख ले, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दे, इतनी क्षमता चाहिए? इसलिए जब उन्होंने दुख लिया और दुख लेने के कारण हाथ फेल हो गए। बाबा प्रीत का अर्थ क्या होता है? अनुभूत करना तो मिटा हुआ चीज हो गया। ब्रह्मा ने प्रकट रूप है, इसी माने अंत कर देना।
उसको कहते हैं प्रेत, बड़ी से बड़ा प्रेत है महाकाल। क्या उसको कहते हैं? भूतनाथ। हाँ, उससे बड़ा कोई प्रेत नहीं है। भूतनाथ शंकर का टाइटल इसलिए है कि दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो चेहरे पर लागू न होती हो। क्या बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है तो भूत प्रेत अगर बैठे हुए हो तो वो ये बात सच्ची समझे या झूठी समझे? झूठी समझे। हमारा बाप नहीं आया हुआ है, माने भूत प्रेतों का बाप नहीं आया हुआ है। हाँ, वो भूत प्रेतों का भी बाप है, देवताओं का भी बाप है, ब्राह्मणों का भी बाप है, क्षत्रियों का भी बाप है, वैश्यों का भी बाप है, शूद्रों का भी बाप है, सारी सृष्टि का एक ही बाप है। उसमें सारे गुण अवगुण भरे हुए। गणेश भाई और निराला भाई ने मेरे दार को ज्ञान दिया है, दार को ज्ञान समझाया एडवांस का। किसको? मेरे दार लौकी की रिश्तेदार। लौकी की रिश्तेदार, रिश्तेदार को। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी पूछ जाएंगे कि परम धाम में कुछ कितनी आत्मा है। मनुष्यों की गिनती आदम तुम्हारी तो मनुष्य करेंगे, कीड़े मकोड़ों की आदम तुम्हारी कौन करेगा? जो कीड़े मकोड़ों जैसी पार्ट बजाने वाली आत्माएं होंगी वही कीड़े मकोड़ों का आदम तुम्हारी करना चाहेंगे। सुप्रीम सोल को तो पता होगा कितनी आत्माएं हैं मेरे। आप बताइए, हर एक आदमी अपनी जाति के लिए पहले करता है या दूसरों की जाति के लिए पहले करता है? तो इस दुनिया में 84 लाख योनियों जैसे कार्य करने वाली आत्माएं हैं या नहीं? मनुष्य आत्माएं, मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों जैसा पार्ट बजाने वाली भी हैं। उनमें ये प्रश्न वो ही करेंगे, उनके ही दिमाग में आवेगा जो कीड़े मकोड़े जैसा पार्ट बजाने वाले होंगे। इसलिए बाबा मनुष्यों को पढ़ाने आता है ये कीड़े मकोड़ों को पढ़ाने आता है? हिमायती है मनुष्यों को, मनुष्यों का हिमायती होना चाहिए, ये कीड़े मकोड़ों का हिमायती होना चाहिए। सारी दुनिया जो है मनुष्यों के लिए बनी हुई है या कीड़े मकोड़ों के लिए बनी हुई है? बनी हुई है। तो पहले हम मनुष्यों का उद्धार की बात करें क्यों, किस लिए? जिस गली में हमें जाना नहीं उसके लिए प्रश्न क्यों पैदा करें? ज्यादा आ जाती है तो मेरा मन नहीं मानता। मन नहीं मानता, तो जिनका मन नहीं मानता है वो समझ, जो लंपट होंगे उनकी बुद्धि में वैश्याओं की बातें चलेंगी या नहीं चलेंगी? है, चलेंगी ही चलेंगी। कोई कहता है तुम ही वैश्याओं की बातें क्यों करते रहते हो? अरे कैसे नहीं करेंगे, उनका उद्धार कैसे होगा? तो ये बात बाद में, जब हम बीज रूप स्टेज में टिक जाएंगे तो हमें सारा पता चल जाएगा। अभी सिर्फ हम मनुष्यों के उद्धार की बात सोचें, अपनी जाति का कल्याण करें। जानने की बात वही बात, अरे जानने की लिमिट पहले चाहिए। एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी चढ़ेंगे या 84 लाख योनियों में चढ़ेंगे? हमारा लक्ष्य क्या है? 84 लाख योनियों में जाने का हमारा लक्ष्य है या देवात्माओं में जाने का हमारा लक्ष्य है? बनने का लक्ष्य क्या है और पूछ क्या रहे हैं? एक शब्द की बात की हमने कहा, क्यों मकसद चाहिए ना, हमें जाना कहाँ है? जब हमें देवता बनना है तो वो ही बातें पूछे जो हमें देवता बनाने वाली है। ब्रह्मा को बैल कहते हैं। हाँ, बैल पर शिव सवारी, शिव ने सवारी नहीं की, शिव तो है बिंदु, वो कैसे सवारी करेगा? बैल जो जानवर होता है, अगर शिव जानवर में आए तो कहेंगे जानवरों को सुधारने आता है या मनुष्यों को सुधारने आता है? किसको सुधारने आता है, है? तो मनुष्य, भगवान आएगा तो मनुष्यों में आएगा, मनुष्यों में मन बुद्धि होती है, जानवरों में क्यों आएगा? शंकर के रूप में ठीक है,
वो शंकर जब तक ऐसी जब तक शंकर की ऐसी स्टेज नहीं बनती है, निराकारी स्टेज सदाकाल की नहीं बनती है, तब तक वो हाई जंप लगा ही नहीं सकता। और हाई जंप नहीं लगा सकता तो शंकर जो है वो बैल के ऊपर सवार नहीं हो सकता। तब तक ऐसे ही लोड़े खाता रहेगा, भस्मासुर के डर से सारी दुनिया में भागता भागता फिरेगा। अभी बलवान ब्रह्मा की सोल है या राम की सोल बलवान है? राम की सोल बलवान है। अगर जो बलवान सोल होगी वो कमजोर में प्रवेश करेगी या कमजोर सोल पावरफुल में प्रवेश करेगी? है बलवान जो है वो कमजोर में प्रवेश करते हैं। तो अभी साबित होता है कि जो हर चंद्रमा बैठा हुआ है सर के ऊपर, सर पर सवार है, वो अधूरा चंद्रमा है, अधूरी आत्मा है। जब संपूर्ण बन जाएगा तो संपूर्ण बनने के साथ ही वो तो अपने को बच्चा समझेगा, सर पर सवार होगा। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सर पर सवार होकर के उल्टा पलटा करते हैं, कहीं नाक पकड़ते हैं, कहीं कान पकड़ते हैं। तो छोटा बच्चा है। हाँ इनकी बात पहले पूरी होने हाँ जी पवित्र में या सूर्यवंशी आत्माओं में प्रवेश नहीं करता है। आप में ब्रह्मा वाले मेरे में तो कोई नहीं प्रवेश करता। मैं नहीं मानता ये बात। प्रजापिता ने प्रजापिता वाली आत्मा जो है वो ज्यादा पतित बनती है या ब्रह्मा वाली आत्मा ज्यादा पतित बनती है? सीढ़ी के चित्र में पड़ा हुआ कौन है और खड़ा हुआ कौन है? प्रजापिता वाली आत्मा पड़ी हुई है, पड़ी हुई होना ही साबित करता है कि ज्यादा पतित है। और ब्रह्मा वाली आत्मा खड़ी हुई है, इसका मतलब वो इतनी ज्यादा पतित नहीं है। ये टैली किया है क्रिश्चियंस के साथ, हिंदुओं के मुकाबले क्रिश्चियंस को अभी पतित कहेंगे या पावन बुद्धि कहेंगे? पावन बुद्धि क्रिश्चियंस पावन बुद्धि है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निजाना। तो कुमति हिंदुओं की है, देवताओं की है या क्रिश्चियंस की कुमति है? क्या साबित हो रहा है प्रैक्टिकल जीवन में? हिंदुओं की कुमति है, इसलिए गरीब है, भारत देश गरीब है, भीख मांगता रहता है। और क्रिश्चियंस की सुमति है, संपत्ति नाना प्रकार की है उनके पास। हाँ कोई चीज व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ नहीं गवानी चाहिए, व्यर्थ नहीं करना चाहिए। वेट मत बढ़ाओ, वेट बढ़ाना नहीं है, वेट माने वजन नहीं बढ़ाना है। और व्यर्थ मत करो माने कोई चीज व्यर्थ मत गवाओ, हर चीज काम में लाओ। वेट में और व्यर्थ में अंतर है। और वेट न करो, वेट माने प्रतीक्षा नहीं करो, प्रतीक्षा नहीं करनी है, इंतजार करना है या इंतजाम करना है? तो शब्दों के अर्थ का अंतर हो गया है। एक है वेट, वेट माने प्रतीक्षा करना, एक है वेट वजन, और एक है व्यर्थ, व्यर्थ गवाना। शरीर में तीन आत्माएं, अरे एक ही शरीर में 14-14 प्रवेश करेंगे अभी भी एक एक शरीर में 5-5 प्रवेश कर रहे हैं। हम
आपकी बात हमारी बातों को जाए नहीं, हमारे में कोई नहीं प्रवेश करता, शरीर में हमारे शरीर में कोई प्रवेश नहीं करता, शरीर में मानते ही नहीं हम इस बात, हम नहीं मानते इस बात, मैं न करता हूँ लेकिन शरीर प्रजापिता में करता हूँ, शरीर जो दिख रहा है शरीर जो दिख रहा है इसमें तीन आत्माएं पांच बजे, हम मानते नहीं इस बात, हम इस बात को मानते ही नहीं, कोई दूसरी बात करिए, नहीं तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि हमारे अंदर तीन या तीस आत्माएं प्रवेश करती होती, बताया गया सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई, आपने अपने भाइयों जिन वो अपने भाई नहीं है जिनसे आपने सुना, आप भगवान से सुनना चाहिए या भाइयों से सुनते हैं, तीन आत्माएं से सुप्रीम सोल भी तो है, हाँ इसी तन में सुप्रीम सोल किस तन में, इस तन के हम सम्मुख बैठे हैं, बिल्कुल नहीं, हम तो ब्रह्मा कुमार हैं, हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, हम ब्रह्मा की बात को फॉलो करते हैं, मुरली की बात को फॉलो करते हैं, ब्रह्मा ने मुख से मुरली चलाई कि नहीं, हम भी ब्रह्मा कुमार हैं, प्रजापिता ब्रह्म कुमार हैं, हम नहीं मानते हमारे अंदर शिव की प्रवेशता है, शिवो हम ये बात हम मान ही नहीं सकते, जो अपने को शिव कहते हैं वो बड़े बड़े हिरण्य कश्यप, आप हमको हिरण्य कश्यप कहते हैं, हम नहीं मानेंगे, सामने बैठ के हमको हिरण्य कश्यप, मतलब हम नहीं सुनते, आपने जो डायरेक्ट कहा अपनी बात वापस लीजिए, आप अपनी बात वापस लीजिए कि आप आइंदा हमको हिरण्य कश्यप नहीं कहेंगे, अभी बोला ना, अभी बोला ये बात में प्रवेश करता है, कोई प्रूफ नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई एविडेंस नहीं, ऐसे ही सुनी सुनाई बातों में भारतवासियों दुर्गति पर आप दुर्गति को पाए रहे हैं, ऐसे नहीं कहना कभी किसी की बात सुनना नहीं, एक शिव बाबा हाँ और आगे बताओ, शिव बाबा इसी तरह से बोलता है तो मानते हैं, कई बार मैंने अनुभव किया है, क्या अथॉरिटी शिव बाबा की अथॉरिटी, ऐसे तो दुनिया में कोई गुरु को मान लेते हैं, कोई गुरु को भगवान मान लेते हैं, सदगुरु मान लेते हैं, कोई अगर भक्ति करता है किसी को सदगुरु मानता है गुरु मानता है तो भक्ति करने के लिए मना थोड़ा किया जाता है, आपको मना नहीं है भक्ति करने के लिए, अलग अलग वाइब्रेशन है, सुप्रीम सोल का वाइब्रेशन महसूस किया गया, हाँ आज से दुनिया में बहुत होते हैं गुरुओं को बैठ करके भगवान मान लेते हैं, अरे पिंडी के सामने पत्थर की पिंडी के सामने बैठ जाते हैं उसको भगवान समझ लेते हैं, ये क्या बड़ी बात है, ये सब अंधश्रद्धा है, आप जो बात समझा नहीं सकते साबित नहीं कर सकते वो सब अंधश्रद्धा है, आप किसी को सुनाएंगे इसमें भगवान आता है हमने अनुभव किया कोई मान लेगा, आपको समझाना पड़ेगा, बुद्धिमान लोग बिना प्रूफ और प्रमाण के मानने के लिए तैयार नहीं होते, हम तो बुद्धिमान बाप के बच्चे हैं, हम क्यों बाप की बात मानेंगे, हाँ बाप सरकार में है, होगा कहीं हमें पता नहीं कहाँ हो, गुप्त पाठ बजा रहा है, पांडवों का बाप है ना पांडव गुप्त, तो बाप भी गुप्त है, तो राजीव गए तो भगा दिया, राजेश भाई निराला भाई आ रहा है शंकर पार्टी के उनको मताने के तो भाई आ रहे इनको कहा बैठे थे इनसे नाम लेके कहा था इनकी हिम्मत पड़ी नहीं कि हमारे साथ रहते हैं, अच्छा ब्रह्म कुमारी भी तो हिम्मत पड़ गई इनसे कहने की इनको भगा दो, ये उनमें मिक्स होके रहते होंगे, नहीं इनको भगाने के लिए बोला, नहीं भगाया इनको भगाने के लिए बोला आपको, कहे कि बिगाड़ करने के लिए हमें इनमें बिगाड़ हो जाए तो हो जाएगा, उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं भगाया आपने, तो हमने कहा भाई मेरे भाई है
और हम आत्मा आत्मा भाई भाई है, हम दुश्मन की भी कदर करते हैं देखो, और भाई की इसको भगाए कैसे बने इधर मुरली मुझे पसंद ये बात पसंद नहीं तो आप इतना और कह देते उनसे ये तो गीत आपने बनाए हुए हम हैं आत्मा तुम हो आत्मा आप अपने भाई भाई ये कैसा भाई भाई ऐसा भाई भाई हमें नहीं बनना तो कहते हैं कि ये आप लोग हमारे भाइयों को पका फल ही तोड़ते हैं ये लोग भाइयों को ले जाकर के समझाते हैं नहीं कि नहीं समझाते हम तो कृष्ण के भैया हैं मक्खन ही मक्खन चुराते हैं भाई इतना और कह देते कि ये जो शंकर पार्टी आप बोल रहे हैं ये बाबा की भाषा नहीं है ना अव्यक्त बाप दादा की भाषा है और ना मुरली की भाषा है ये तो कोई भूत पे प्रवेश कर रहा है आप में जो भाषा बनवा रहा है ऐसे हम बाप के बच्चे हैं शंकर पार्टी विष्णु पार्टी ब्रह्मा पार्टी अरे भगवान की पहलौटी के बच्चे उनमें पार्टीबाजी कहाँ से आ जाएगी उनमें ही अगर पार्टीबाजी होने लगेगी तो दुनिया का क्या हाल होगा अरे भगवान की पहलौटी के बच्चे कौन है तीन बच्चे ही तो हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनमें भी अगर पार्टीबाजी हो जाए तो दुनिया का क्या हाल होगा शंकर पार्टी ब्रह्मा पार्टी विष्णु पार्टी ये ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं है ज्ञान की मार मारेंगे अरे ज्ञान के नहीं स्कूल बार में इसको था बहुत मुश्किल फिर का जान बचा था वहाँ से निकल पाए ये एडवांस में आने के बाद फिर दोबारा गए न इधर निश्चय बैठता था न उधर निश्चय बैठता था बोल रहे थे बाबा जो भाई बड़ी बड़ी क्लास कराते थे वही इनको कमरे में बंद करके और लाके हिसाब किताब पूरा हुआ पूरा लोगों का हिसाब किताब होगा ना हमारा तुम्हारा जो हिसाब किताब है वो पूरा हो रहा था अच्छा खुशी होना चाहिए ना हल्के हो रहे हैं हम हमको तो बुझा रहे हैं लोग कि आए हैं उनके लिए कोई बात नहीं है आवे इसमें लेकिन फिर वहाँ जाना नहीं है क्या मतलब वाले जो है हाँ आपको बुला रहे हैं बुला रहे हैं लोग सोफा लगा रहे हैं कि रामकृष्ण भाई इसमें आवे हाँ नहीं देखो लिखित भेजो लिखित निमंत्रण भेजो अभी तो तुम कह दोगे हमने तुम्हें बुला रहे थे तब आया फिर कोई बात होगी उल्टा पलटा इल्जाम लगा दे हमने कहाँ बुलाया ये लिखित न दे वो बुला रहे तो वो लिख करके दे बुला के यही बात कहेंगे कि आप चुपचाप बैठिए उधर किसी उद्यान मत सुनाइए ये तो ना बढ़िया बात है बाबा ने सिखाया क्या बाबा ने किसी मुरली में ये बात सिखाई सिखाई बाबा बोला के झूठे झूठे टेंशन भी शुरू करते हैं कौन पकड़ा
चलो ये सब बातें चलती रहती है। और बाबा हाँ जी कोई बड़ी बात थोड़ी है, सरेंडर होने वाले सैकड़ों की तादाद में, कोई ना कोई शरीर तो छोड़ते ही जाएंगे ना उनके माँ बाप, सबके माँ बाप शरीर छोड़ते हैं और शरीर छोड़ रहे हैं। अगर ज्ञान में आ गए, बेसिक ज्ञान में आ गए, एडवांस ज्ञान में भी आ गए, हाँ एडवांस में रह भी ले, तो इसका मतलब है कि वो जब भी जहाँ कहीं भी जाके जन्म लेंगे फिर एडवांस में आएंगे, जन्म लेंगे बिल्कुल। अकाल मौत हुई नहीं, अकाल मौत हुई, बीमारी से मौत होना अलग बात, नहीं बीमारी पीलिया होना तो बीमारी से मौत हुई, एक होती है अकाले मौत, अचानक शरीर छूट गया, हाँ तो कहीं जन्म लेकर के फिर दोबारा आएगी, जन्म ले कोई भाई कहते हैं लोग प्रवेश करके, दूसरों की बात क्यों सुनना, प्रवेश करके पाठ वो बजाते हैं जो अकाले मौत में मरते हैं या कोई की हत्या करते हैं सब मरते हैं, जघन्य कर्म करने वाले सूक्ष्म शरीरधारी बनते हैं। आज फोन कर लिए घर पर उनकी, तो वो कहते हैं कि क्या बाबा आए हैं, तो बाबा जी आ जाएंगे क्या, बच्चन के लेके वहाँ आओ बाबा आए, आप बोलते थे कि बाबा बैठे ही तो हम पूछ सकते हैं, बाबा आ रहे हैं आपको हिम्मत है तो चलिए पूछिए, जो पूछना है पूछिए बाबा के सामने, इसे हिम्मत की क्या बात, तो बोलते हैं कि नहीं हमारे कोई परिवार नहीं जाएगा, हम भी नहीं जाएंगे, बाबा आए हैं तो याद देंगे क्या, आपके जबरदस्ती बुला रहे हैं उनको, नहीं नहीं संदेश भेज दिया हूँ, संदेश दिया दिया, संदेश भी उन्हीं को ही देना है जिन्होंने भक्ति करने के बाद रेगुलर ब्राह्मण जीवन बिताया है या बिता रहे हैं, अगर अगर ब्राह्मण रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, दो महीने तीन महीने से गायब हैं, तो उनको नहीं बुलाना, ये बोलते थे कि बाबा मिलता था हम उनसे बात करते, इसलिए हम उनको संदेश भेजवा दिया कि बाबा आ रहे हैं जो बात करते, बाबा का तो डायरेक्शन है, बाबा का डायरेक्शन ये कि जो बच्चों का दो महीने लेटर नहीं आता तो बाबा क्या समझते हैं, मर गया मर गया, उसकी क्या बात करेंगे, लड़की है तो आना चाहती है लेकिन वो जबरदस्ती नहीं, ये मोहन का यहाँ की सबसे बड़ी तबियत भिन्न पॉइंट से याद करके अमृतता बनी रहे, ठीक है याद से भिन्न भिन्न पॉइंट किस समय किस तरह की याद, जैसा समय जैसा व्यक्ति जैसा माहौल वैसा पॉइंट निकाल लेना चाहिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे कोई मारने के लिए आ गया क्या वो खत्म ही कर देना चाहता है, अब ऐसी ऐसे समय पर कौन सी याद करे, तो बाबा ने मुझे बोला कोई बाबा को मारने के लिए आया था इच्छा लेकर के, बाबा ऐसी याद में ठहर गए कि वो बाबा का दोस्त बन के गया, वही याद एकाग्र हो ना, बाबा की याद में कौन सी अलग अलग याद है, वो गुण शक्तियाँ नहीं, सबसे गहरी याद है निराकार साकार में निराकार की याद, और जो मनन चिंतन मंथन होता है मुरली के पॉइंट बुद्धि में करते हैं उसे याद नहीं कहा जाता, पक्का पक्की याद है निराकारी बनना और निराकारी स्टेज में ठहर जाना, कभी घर का है साकार में याद करो, इस साकार में प्रवेश करता है वो घर नहीं है, मूल वतन में याद करो, हाँ मूल वतन नहीं है वो, ऐसे नहीं कि शिव बाबा अलग अलग बातें बताते हैं, परमधाम में याद करो, मुझे परमधाम में याद करो,
मुझे मुझे साकार में निराकार को याद करो, मुझे मुझे जो है निराकारी स्टेज का याद, निराकारी स्टेज में याद करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग को याद करो अलग हो जाता है और परमधाम में याद करना अलग हो जाता है, नहीं। बाप हमारा स्वर्ग भी है, बाप हमारा परमधाम भी है, तब बाप रहता कहाँ है? अभी वर्तमान समय में संगम युग में मुकर्रर रूप से बाप कहाँ रहता है? क्या परमधाम घड़ी घड़ी जाता है? नहीं, क्यों जाएगा? काम पूरा हो गया क्या? मुरली में तो बोला जो मेरे को परमधाम में याद करते हैं वो शुद्ध संप्रदाय है। जो शुद्ध संप्रदाय है उनकी बुद्धि में तो बात बैठा ही नहीं है, निश्चय बुद्धि ही नहीं है, बात नीचे आया हुआ है और वो ऊपर याद कर रहे हैं। बाबा एक ही रस में जाने जाने रहता है। हमें तो ऐसा ही समझना है। क्या समझना है? अगर हम ये समझेंगे कि दूसरे रस में गया तो फिर हमारी याद एक की हो गई या दो की हो गई? मुकर्रर रस कहाँ है? तो मुकर्रर रस कहाँ हुआ? सदा वैसे ही याद करना है कि क्यों बाबा मुकर्रर रस में आया हुआ, उसमें हमारा कल्याण है, एक की याद बनी रहेगी। और उस एक का कल्याण होगा तो हमारा कल्याण नहीं होगा। अभ्यास करने का मतलब है कि ऐसे मनन चिंतन मंथन में बुद्धि रमी रहे कि अपनी देह है, देह के संबंध और देह के पदार्थ याद ना आए, ज्ञान के मनन चिंतन ही बुद्धि में चलता रहे, नई दुनिया का मनन चिंतन मंथन बुद्धि में चलता रहे, ईश्वरीय संगठन पावरफुल कैसे बने ये बातें बुद्धि में चलती रहे, सेवा के पॉइंट्स बुद्धि में चलते रहे। और कोई भी ऐसी याद ना आने पाए जो हमारी बुद्धि को साकारी बना दे, साकारी माने विकारी। ब्राह्मण कहा ही उन्हें जाता है जो सेवा करते हैं, याद करते हैं और मनन चिंतन मंथन करते हैं। ब्राह्मण जीवन माना याद भी हो और सेवा भी हो। जब हम मनन चिंतन मंथन में रहते हैं तो वाइब्रेशन कैसा बनेगा? मनन चिंतन मंथन करने का बनेगा ना। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य है संगम विश मनुष्य, वो कौन है? ब्राह्मण ही तो है। तो ब्राह्मणों के जीवन में सिवाय मनन चिंतन मंथन के, सिवाय बाप की याद के, सिवाय ईश्वरीय सेवा के और कुछ करना ही नहीं चाहिए। मनन चिंतन मंथन करने के बाद जब निराकारी स्टेज हो जाएगी तो साकार को भूल जाएगी। निराकारी स्टेज हो जाएगी तो साकार को भूल जाएगी? क्यों? जो साकार है वो निराकारी स्टेज वाला नहीं है? हम उससे ज्यादा पुरुषार्थी हो गए? वो भूलना नहीं है, पकड़ कर लिया है, गंदे बांध लिए है, पकड़ के बैठेंगे। ऐसे पकड़ के बैठेंगे तो लास्ट ट्रेन जो चलने वाली है वो छूट जाएगी। पकड़ के नहीं बैठना कि हम तो गांठ बांध लिए, देखे कैसे छोड़वाएंगे। हाँ जी, हम कृष्ण और आत्मा है, एक ही कंस से कैसे कैसे अंतिम स्थिति में पार हो जाती है, एक ही रस से कैसे अंतिम। आप श्रीमत पर चलते नहीं है, मानते नहीं है, क्योंकि बाबा ने बोला है कि जो स्वधर्मी आत्माएं होंगी वो सब पॉइंट को मानेगी और विधर्मी आत्मा अगर होगी तो एक पॉइंट को मानेगी दूसरे पॉइंट को नहीं मानेगी। मुरली में बोला हुआ है बाबा ने। क्या क्या बोला हुआ? तुम ऐसे ही समझो कौन बोलता है?
रामकृष्ण बोलते हैं शिव बाबा मानते हैं, मानते होते तो ऐसे पूछते ही नहीं। ये सवाल ही पैदा, सवाल खत्म हो जाता है, ये सवाल ही खत्म हो जाता है कि राम बोलता है कि कृष्ण बोलता है कि शिव बोलता है। ये मैंने पूछा, आप यही तो कह रहे हैं, तीन आत्माएं पार्ट बजा रही है, पार्ट किस तरह से किन स्थितियों में बजता है, एक ही आत्मा हमारे लिए पार्ट बजाती है, शिव बाबा, राम बाबा, प्रजापिता बाबा, कृष्ण बाबा, सवाल ही नहीं। हमको डायरेक्शन कौन देता है? शिव बाबा डायरेक्शन देता है। चलो उल्टा भी डायरेक्शन दिया तो भी बुद्धि में पक्का निश्चय हो कि जिस मुख से उल्टा डायरेक्शन भी दिया हमें दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है कि उल्टा डायरेक्शन है, तो भी गारंटी दी है कि मैं उसे मैं उल्टा कर दूंगा। बस इसमें पता है यथार्थ रूप की जानकारी याद करना है, यथार्थ जानकारी हमने की है कि मुकर्रर रथ में आया हुआ है, टेम्परेरी में नहीं है, अगर एक सेकंड भी नहीं है तो टेम्परेरी हुआ मुकर्रर हुआ। मुकर्रर का मतलब है कोई सेकंड ऐसा नहीं है जिसे वो मौजूद न हो। बल कहते हैं मुरली, मैं बच्चों में सेवा करने के लिए जाता हूँ, कोई बच्चा कमजोर है भी मऊ जिला की सेवा जनसार की नहीं हो रही है तो कैसे वहाँ किया जाए, मान लीजिए सुन नहीं रहे हैं लोग हाँ। और जाने पर भी सुन लेते हैं लेकिन कहते हैं कि माने गए तो सभी जगह गई है, आलिम जिला का यही हाल है, इधर गांव का हो गया केवल मऊ जिला का। हाँ तो गांव में जैसे बाबा कहते हैं कि दिल्ली में सेवा जो करनी है तो दिल्ली का घेराव डालो, किसी राज्य पर आक्रमण करना होता है तो पहले चारों तरफ से सेना से घेर लेते हैं। संत 76-77 में ये गलती कर दी जनता पार्टी वालों ने और एडवांस पार्टी वालों ने भी ये गलती कर दी, क्या सीधा दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया, 7 सीटें भी जीत ली लेकिन फिर 6-8 महीने के बाद फिर वही हाल हो गया। इसलिए जो विधि बताते हैं उस विधि को ही पालन करते रहो, पहले ही बिगड़ गया, कुछ नहीं बिगड़ गया है। अगर मऊ के आसपास वाले गांव वाली गीता पाठशालाओं के लोग सुनते हैं तो उनको ही सुनाते रहो उनका चलो जहाँ निकल रहे हैं सहज निकल रहे हैं, सहज काम करो, कठिन काम क्यों करना। हम जिसको संदेश देते हैं और संदेश सुनने के बाद वो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकलते हैं निकाल देते हैं, हमारी बात सुनते ही नहीं तो हमारे कुल के हैं, हम क्यों उनके पीछे पड़े। जो सुनते हैं गांव वाले तो सुनाते रहे, यहाँ फोर्स बढ़ाते रहो, क्या चारों तरफ से घेराव डाल दो। बाबा आजमगढ़ में एक तो आजमगढ़ के हम हैं, ये राजेश भाई हैं, एक रामवीर भाई थी आजमगढ़ में है, लोग दूर पड़ते हैं, हम आई करीब करीब शहर में रहते हैं, तो आजमगढ़ में एक मकान है वकील साहब का, तो कुछ चर्चा चली तो मकान खाली हो रखते हैं इधर आपके गांव के पास कोई गाँव वाली तो वो मकानों के लिए बात किया जाए, जैसे ये समर्थ है उसको लेने के लिए राजेश भाई। किस लिए ले गए? जैसे एडवांस पार्टी का गीता पाठशाला, गीता पाठशाला तो अपने घर में बनाई जाती है या दूसरे के मकान बनाई जाती है? अपने घर को लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाना है, अपने घर में लक्ष्मी नारायण जैसे वाइब्रेशन बनाना है या दूसरे के घर में बनाना है? वहाँ की सेवा के लिए हम कर रहे हैं, सेवा की, जो वहाँ रहने वाले हैं वो अपने घर में गीता पाठशाला खोले और लोगों की सेवा करें। ये ठीक नहीं है कि हम जड़ ईंटों का मकान पहले तैयार कर लें, पहले चैतन्य ईंटों का संगठन चाहिए, बाद में अपना कोई मकान है भी नहीं। अरे अपना मकान नहीं है तो अपना घर है, अपना घर देहात में है, इनका भी 10 किलोमीटर उधर, अभी बताया ना 20 किलोमीटर अभी बताया ना, जहाँ सहज सेवा हो रही है वहाँ करो। हम क्यों इतना भटके हैं, क्यों वो बादरेशन पैदा करें, जहाँ सहज सहज हो रहा है, सहज मिले तो वो हमारे दूध जैसी आत्माएं हैं, सहज मिल जाती है, हमारे कुल की है। अभी तो पहले अजवल का भटकी करना पड़ेगा,
तभी पिता पता चलेगा। हाँ वो तो पहली बात लक्ष्मी चाहिए। अभी तो बाबा ने भी ब्राह्मणों को बोल दिया पहले क्या करो मुझे माला का आवाहन करो। नारायण नारायण तो है प्रवृत्ति मार्ग तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। विजय माला जो निकलेगी वो चंद्रवंश से निकलेगी या सूर्यवंश से निकलेगी? चंद्रवंशी राधा और कृष्ण सूर्यवंशी। वो ज्ञान सूर्य की बातों पर चलने वाले लोग हैं और किसी की बातों पर चलने वाले नहीं है। और वो ज्ञान चंद्रमा को फॉलो करने वाले लोग हैं। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ने जैसा जीवन बिताया है प्रैक्टिकल जीवन जैसा बिताया है वैसा जीवन बताने वाले लोग हैं। वो ज्ञान सूर्य की मुरलियां हमें मिले या न मिले हमें उसकी दरकार नहीं है। हम मुरली को उतना फॉलो नहीं करते। मुरली में क्या बोला क्या नहीं बोला ये एडवांस पार्टी वाले जाने। मुरली को उतना ध्यान नहीं देंगे। उसका आवाहन करने का मतलब ये है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग है हमारा निवृत्ति मार्ग नहीं है। हमारी बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकेंगे। सीता चाहिए तभी राम का काम होगा। राधा चाहिए तभी कृष्ण का काम होगा नहीं तो काम नहीं होगा। दोनों अर्थों में लौकिक अर्थों में भी विजय माला अजगर और इस तरह से ब्राह्मण तक ब्राह्मण परिवार में दो परिवार हो गए एक चंद्रवंशी और एक सूर्यवंशी। अब सूर्यवंशी कृष्ण तो चंद्रवंशियों के यहाँ जा न सके। ये तो भक्ति मार्ग की परंपरा है। क्या परंपरा है कि लड़के वाले अपने को ऊंच समझते हैं और वो नहीं जाते वहाँ। फिर किसको आना पड़ता है? लड़की वालों को आना पड़ता है। बीस बार गर्ज पड़े तो राधा आए कृष्ण के गार्डन में। खुला दरबार है। हम अंदर से वाइब्रेशन ऐसा बनाएंगे कि खींचेंगे। क्या बाहर से हम सर झुकाने वाले किसी को नहीं है। सर झुकेगा तो किसके सामने झुकेगा? एक शिव बाबा दूसरा कोई। विदेशी धर्म है इसमें लड़के वाले लड़की वाले के पास जाते हैं। वही तो बताया वो चंद्रवंशी और चंद्रवंशी और ज्ञान चंद्रमा की गोद में पलने वाले सारे विदेशी ही तो हैं। वो उल्टा करते हैं। हाँ वो उल्टा ही तो करते हैं लड़के वाले। वाइब्रेशन बनाए ऐसा वाइब्रेशन बनाए कि उनको आना ही पड़े। और अच्छी बात भी तो है क्या है? क्या 63 जन्म अपवित्रों ने पवित्र है परम पवित्र को बुलाया है या पवित्रों ने बुलाया? अपवित्रों ने बुलाया। तो अपने को अपवित्र मान लेने में हर्जा क्या है? रुद्रमाला के मणके सारे पतित राजा ही तो हैं। है ये कोई समझना जरूरी है कि हम पावन हैं? हम लंगड़े हैं भाई। ये लंगड़े अंधे की कहानी है। अंधा आए तो लंगड़े को अपने कंधे में चढ़ाए सारा वजन ढोए परिवार का पालना करे। पालना का ही मुख्य काम है ना उनका तो पालना करे। ऐसी श्रेष्ठ पालना करे जो दुनिया वाले देखते ही कहें कि हाँ ये चीज है। अभी तो एडवांस पार्टी में पालना हो रही है किसी तरह कहेंगे कि भगवान ही कर रहा है। क्या साकार में प्रैक्टिकल नहीं देखने में आ रहा है क्योंकि जगदम्बा तो गुप्त हो गई घूंघट में आ गई वो ही नहीं दिखाई पड़ रही है। तो पालना का साकार रूप कहाँ हुआ? तो प्रवृत्ति मार्ग तो पक्का दिखाई पड़े पहले। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो दिखाई पड़े लोगों को। फिर एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा बाकी मंदिर मस्जिद गिर जाएगा सब सब टूटने लग पड़ेंगे। अभी नहीं टूट रहे हैं। अभी भक्ति मार्ग बढ़ रहा है दुनिया में घट रहा है बढ़ रहा है बढ़ता ही रहेगा। बाबा का है हमसे कलंक लागो।
कृष्ण को कलंक क्यों लगे थे? काला बना था तब कृष्ण को कलंक लगे या गोरा बन गया था तब कलंक लगे? काला है तो कलंक लगे। काले संकल्प चल रहे हैं, काली वृत्ति है, काली वृत्ति है, कर्मेंद्रियों से कुछ न कुछ काला कर्म भी हो जाता है, बोलते हैं लोग तो कलंक भी लगे। मम्मी इसको मार जाए, बोलते हैं लोग वहाँ का लोग की दूसरों को बोलने से हमें क्या, हम जानते हैं दूसरे तो अज्ञानी है, दूसरों को कुछ भी बोल लेना, ज्ञान में नहीं चल रही होती तो मावी नहीं है। तो हम प्रभावित क्यों होते हैं उनसे? हम प्रभावित नहीं, तभी तो बोल रहे हैं आप, पूरी भरी सभा में अपना तो बोल रहे हैं, बाप के सामने बोल नहीं बोलिए। सूक्ष्म वतन में माना जो सूक्ष्म आत्माएं ब्रह्मा सरस्वती जैसी आत्माएं सूक्ष्म वतन में जो हैं वो हम बच्चों में प्रवेश नहीं कर रही है। गुरु जी ने सूक्ष्म वतन को उड़ा दिया है या ये कहा सूक्ष्म वतन कुछ होता है? शिव बाबा एक है और एक ही बात बोल रहे हैं, हम समझ नहीं पाते। सूक्ष्म मतन है का मतलब हमारी बुद्धि की बात है, हम जब स्वप्न में होते हैं तो सूक्ष्म शरीर से उड़ के दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं या साकार शरीर से जाते हैं? ये सब बातें ठीक है तो मानना चाहिए। बच्चों को बताने के लिए हम कहते हैं गायब हो गई है, बच्चों को बच्चे फरियाते हैं, चीज करते हैं, तो चीज गायब हो गई, तो सिखा के उनको भगा देते हैं, गायब हो गई। बाबा तो मुरलियों की बात मुरली में आया कि ऐसे ही बच्चों का पुरस्कार समझा हमारे शिव बाबा जो है दो बातें करते हैं, छोटे बच्चे को नहीं पुछाते मुरली में बाबा दो बातें करते हैं, सूक्ष्म वतन है तो लेकिन बच्चों को बहलाने के लिए कह दिया सूक्ष्म वतन में कुछ भी नहीं है, ऐसे मुरली की बात है, ऐसे है जिन लोगों के आप संग में बैठ रहे हैं वैसी आपकी बुद्धि बन रही है। मुरली की बात जो है वो ये है कि जो भी बुद्धि में चल रहा है देह और देह के संकल्पों से परे चल रहा है वो सूक्ष्म मत, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, कई तरह से बातें बताता, कई तरह से नहीं बताता शिव बाबा जी, एक ही बात है, एक ही दाम समझाने का ढंग है, नहीं 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 ढंग भी एक ही है, शिव बाबा का क्लैरिफिकेशन शिव बाबा ही कर सकता है, कोई मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। मुरली क्या दिखाओगे, मुरली क्या पढ़ी नहीं है, डेट क्या दिखाओगे, डेट तो वो विद्वान पंडित आचार्य बताते हैं इस शास्त्र में ये लिखा है, इस शास्त्र में वो लिखा है, वो शूटिंग यहाँ हो रही, इस मुरली में ये लिखा है, इस मुरली में वो लिखा है, ये बात तो उसको बताई जाए जिस जो मुरली को जानता ना हो। अरे टीचर का पार्ट है इस दुनिया में कि नहीं, शिव का साकार में या निराकार में? तो फिर उसके बात खत्म हो गई, टीचर ही बता रहा है कि सूक्ष्म वतन कुछ भी नहीं, सूक्ष्म वतन में क्या है कुछ भी नहीं, सूक्ष्म वतन माने मन की सूक्ष्म चेत, नहीं तो जब आदमी स्वप्न में जाता है तो कहाँ जाता है, शरीर से जाता है क्या? एक मुरली में टेलीविजन स्क्रीन है, एक मुरली में है सूक्ष्म वतन माने टेलीविजन स्क्रीन, हाँ तो बुद्धि की स्क्रीन है, वो स्थूल स्क्रीन की बात हो रही है। अरे शहद की मक्खियों को कोई अपने घर में पालता है तो कैसे करता है, क्या करता है? एक को आह्वान किया सब अपने आप आ जाएंगे, किसी आत्मा को हमें सर्च लाइट देनी है तो उसकी क्या विधि होती है? शिव बाबा की याद में ही सर्च लाइट देनी है या उस आत्मा को याद करना शुरू कर देंगे? तुम्हारे पूछने का मतलब हम समझ गए, वो सन्यासी लोग करते हैं गौमुख में हाथ डाल दिया
और राम 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 चल। पहले तो भर्ती करके जब आए साल भर उनसे कहते कहते तो नीचे में गए तो पहले तो इनका बराबर हुआ कि कोई इनसे बोलेगा नहीं, इनसे शंकर पाटी को इनसे नहीं बोले। हाँ, जो यहाँ के इंचार्ज बहन रंजना, नाम उनका रंजना है लेकिन रंज बहुत हो जाती है इनकी रंग से। तो फिर इसके बाद इन्होंने जवाब वबाब दिया कि भाई सही विश्वविद्यालय किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है ही, ठीक है। उसके बाद भी समझौता मिलता था जो जाते हैं भाई साहब, तो समझ यहाँ वहाँ जाने का हमारे समय से हम तो भगा दिए गए। आज नहीं कह रहे तो हम गए भी थे। अगर कोई अपने घर में आने से मना करता है जी तो जाना चाहिए। मैं तो उनका घर मानता नहीं, बाबा घर मानता हूँ, बाबा के लोग से वहाँ जाके एडवांस सेवा करो, उनके सामने ही बैठ करके सुनाओ, उनको एक पैसा मत दो। तुम सेवा नहीं करोगे और वहाँ का मेवा खाते रहोगे मान मर्तबे का तो कैसे चलेगा। सेवा करो, जाग के सेवा करो वहाँ। जिज्ञासा तो रहती है, क्या जिज्ञासा रहती है, सुनाओ ना सुनना अपनी बात सुनाओ उनकी मत सुनो। हाँ, वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। सीधी सी बात, कुछ भी हो देखो सीधी सी बात, बाबा ने कहा हमारे कुल का होगा वो शब्द सुनाएंगे एडवांस के, खींचा चला आएगा हमारे पीछे पीछे आवेगा, हमारे कुल के है ही नहीं, कितना भी उनको सुनाते रहो जब निकलना होगा, जब उनके सारे जिज्ञासु टूट जाएंगे उन सन्यासियों के सब टूट लेता ये मुरली हो गया, तो हमें क्या सन्यासी बनना है, उनके पीछे पीछे भागते रहे तो जो शहद निकल रहे हैं उनको निकाले ना, हमारा क्या लगाव है जो हम उनके पीछे लगे लगा तो फिर वो हमें धक्का मारते हैं, मना कर दिया था, नहीं जाते हम शिवराला के बच्चे हैं, शिव बाबा को कोई मान मतलब नहीं है, उनको खींच करके जबरदस्ती हम जबरदस्ती मनवा भी लेंगे तो भी वो अंत में हमको धोखा देने वाले हैं, ये पक्का लिख लो, वो हमको धोखा देंगे और दुनिया में जाके दुनिया भी धर्मगुरुओं से मिल जाएंगे और हमारी ग्लानी करेंगे, नई दुनिया के संगठन वो बेकारने की कोशिश ही करेंगे, कोशिश में नाकामयाब भी हो जाएंगे। अभी तक उनका कंट्रोलर कौन था, कुमार का राजी ने तो अब शरीर छोड़ा है, अभी तक उनका कंट्रोलर कौन था, हमारे तौर पे तो जानकी दादी, कंट्रोलर जानकी दादी तो विदेश में बैठी है, यहाँ कंट्रोलर कौन था, हिंदुस्तान कौन था कंट्रोलर, प्रकाश मणि के बाद प्रकाश मणि दादी कंट्रोलर थी, यह था राजा तथा बाबा ये बात ही समझ रही है, क्या नहीं समझ रहे, दृष्टि का आपने मूल्य बताया, क्या दृष्टि, हाँ ये बात समझ में नहीं आई, अब आप सही बोले, दृष्टि जगत नारायण में ही क्यों इब्राहिम आए, क्यों आए दृष्टि का सोर्स और क्या करना और कराना, ये चीज किसने सिखाई, बाबा ने तो मुरली में नहीं कहा कि मनुष्य मनुष्य को बैठ करके दृष्टि दे उससे दृष्टि सुधर जाएगी, बाबा ने तो मुरली में साफ मना ही कर दिया, हम बाप को देख रहे हैं बाप हमको देखे, दूसरों को हम क्यों देखें, जिसको देखेंगे वो याद आएगा, ये नियम है, हम अपनी आंखों को बिचारी बेबिचारी क्यों बनाए, आकार में इसकी हवा नहीं सेंटर प्रोवाइड है ना, है आकार में जिसकी बाबा अच्छी बात थे सदर लेख राज के तन में, तो सेंटर तो उन्होंने ही खुलवाए, तमाम सेंटर खुले उनके गाइडेंस में ही खुले होंगे, तो साकार में थे तो उन सेंटरों पे मुरली सुनाना दृष्टि देना, ये दृष्टि देना मनुष्य नहीं कर सकता है, मुरली में कहीं बोला आप मुरली को नहीं मानते, इसका मतलब दृष्टियों को मानते हैं,
मिला तो मुरली में तो एक भी वाक्य ऐसा नहीं आया जिससे ये साबित होता हो कि मनुष्य मनुष्य को बैठ करके दृष्टि दे उससे कल्याण हो जाएगा। हम तो ऐसा नहीं करेंगे, मुरली में तो ये बोला, ये तो करप्शन हो गया। वरदान बाबा का माना जाए? कौन सा वरदान? मुरलियों में वरदान लिखते आता है। वरदान मुख से दिए जाते हैं, वो मुख की बात अलग है, दृष्टि की बात अलग है। दृष्टि के लिए बोला है, दृष्टि से दृष्टि सुधरती है। जब हम देवता बन जाएंगे या अष्टदेव बन जाएंगे, अष्टदेव संसार में घोषित तो हो जाएंगे, तो उनकी दृष्टि से दृष्टि सुधर सकती है। वो भी जब अष्टदेव बाप के बन जाए, वो जो भी सेवा करेंगे वाचा से, वो जो भी दृष्टि से सेवा करेंगे, जो भी कर्मेंद्रियों से सेवा करेंगे, वो बाप के अनुकूल करेंगे, बाप के प्रतिकूल नहीं करेंगे।